हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोनिडिया के कुछ क्वार्टर 1 जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसके कुछ फैक्ट्स हैं या उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें जो क्वार्टर 1 जो एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, उसमें जो कोकिंग कोल प्रोडक्शन है कोल इंडिया का, वो साढ़े ऑलमोस्ट 17.5% इंक्रीज़ कर गया है, और जो कि बढ़ के हो गया है 13.5 मिलियन टन्स। अब अगर बात करें कोकिंग कोल की, तो कोकिंग कोल जैसे आपको पता होगा दो टाइप के कोल कोयला प्रोडक्शन होते हैं, नॉन कोकिंग और कोकिंग कोल। जो कोकिंग कोल होता है वो जनरली स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो जितने भी स्टील प्लांट्स होते हैं वहाँ पर कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है, और कोकिंग कोल प्रोडक्शन में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है, तो इसलिए कोकिंग कोल इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर कोल इंडिया कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करता है तो ये कोल इंडिया और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, जिससे बहुत सारी रिवेन्यू सेविंग होगी इंडिया के लिए, क्योंकि उसको कोल जो है कोकिंग कोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ की जो स्टील इंडस्ट्री की डिमांड है वो कोल इंडिया ही पूरी कर पाएगा। तो कोकिंग कोल प्रोडक्शन बढ़ना ये एक अच्छी चीज़ है इंडिया और कोल इंडिया दोनों के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो जो वोस्ट पावर कोल प्रोडक्शन है वो 16% इंक्रीज हुआ है। अब ये वोस्ट पावर कोल क्या होता है? तो जैसे आप सभी को पता होगा कि कोयले को अगर अगर अच्छा बनाना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, तो उसको वोस्ट किया जाता है। तो वोस्ट किया जाता है तो उसके लिए वोशरीज बनाई जाती हैं। तो अगर वोस्ट पावर कोल इंक्रीज हो रहा है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो कोल इंडिया ने वोशरीज लगाई हैं, और जहां कोल इंडिया का या कोल मिनिस्ट्री का फोकस है वोशरीज पे, क्योंकि सबका कंसर्न है इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स, तो वहां पर इसका ये मतलब है कि वोशरीज जो है वो अच्छे से काम कर रही हैं, यानी वोशरीज जो कॉलोनिया ने बनाई हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं। फिर उसके बाद बात करें डिस्पैच ऑफ वोस्ट कोकिंग कोल, तो प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, और कोयले का डिस्पैच होना या बिकना या जो उसका मार्केट है वहाँ तक पहुँचना वो भी इंक्रीज हो गया, वो 12.4% से इंक्रीज हो गया है। और जो डिस्पैच टू स्टील सेक्टर है, तो मैंने जैसे बोला कि जो कोकिंग कोल है उसका मेनली जो कंजम्पशन होता है वो स्टील सेक्टर में होता है, तो वो जो स्टील सेक्टर को डिस्पैच हुआ है कोयला 12.3%, वो 12.3% से इंक्रीज हो गया, जो कि स्टील सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको कोयले को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो होम प्रोडक्शन यानी जो घर से प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से पूरी हो जाएंगी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।